ये देखें आज अभी हमने आग बाली है, तो ये देखें आज टिक्के की रेसिपी बनेगी। ये मसाले वगैरह डालें, ये हमारी अस्सलाम बेगम वालेकुम, है। आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? आज हम चिकन टिक्का बना रहे हैं। आधा मसाला हम डाल चुके थे, पहले दही डाली थी, शाम मसाले का टिक्का मसाला डाला था, कुटी मिर्चे, पिसी हुई मिर्चे, अब अदरक लहसुन डाल दूंगी मैं। दो चमचे टिक्का मसाला मैंने छान कर डाला, और आप लोग सब ठीक ठाक हैं? आज का दिन आपका कैसा गुजरा? इतनी तेज हवाएं चल रही थी, सारी रात तेज हवाएं चल रही थी, अब जाके थोड़ा अमन हुआ है, काफी जगह पर नुकसान भी हुआ है, ज्यादा तेज हवा चलती है उससे डर भी बहुत लगता है ना रमजान? कितनी तेज हवा चल रही थी? हाँ, आज बहुत तेज़ हवा चल रही रात को थी। रात को इतनी तेज़ हवा चल रही थी, चादरों की आवाज़ें आ रही थी, बिजली के पोल भी हमारे सरजानी साइड पे बहुत गिरे हैं कराची में, मतलब घर की दीवारें भी गिरी, काफ़ी नुकसान हुआ है आज। मतलब हवा बहुत तेज़ थी, तो अभी तो कुछ अल्लाह का शुक्र है हवा बहुत कम है, स्लो हवा चल रही है अभी तो। ये देखें इसको मसाला लग गया है, ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसको थोड़ी सी देर के अब इसमें लिए थोड़ा सा जर्दे का रंग भी डालेगा, इसमें जर्दे का रंग डालेंगी। थोड़ा सा डालते हैं, अच्छा कलर आता है। मुझे इतना बहुत है। कलर डाल के मिक्स कर लें ताकि सब बोटियों पे लग जाए। अब इसको फ्रिज में कितनी देर के लिए रखना है? बस जब तक हमारे कोयले तैयार होते हैं, ताकि ये थोड़ा सा जम जाएगा। बस आधे से पौन घंटे तक फ्रिज में रखेंगे हम इसे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई लोगों? आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे? मैं टिक्के की रेसिपी शुरू कर रहा हूँ अभी, ये देखें सीखे बना के रखता हूँ। ये रमजान सीखों में बोटियाँ लगा रहे हैं, हम बना रहे हैं चिकन टिक्का। एक तरफ कोयले बन रहे हैं, जब तक हमें क्या, जब तक तो कोयले बन रहे हैं तो जब तक हम लोग सीखे बना लेते हैं, ताकि जब तक सीखे भी तैयार हो जाएंगी। ये आती है ऐसे लेट आ जाइए। और आप लोग सब कैसे हैं, क्या कर रहे हैं इस टाइम आप लोग? ये समझ लें हमारे डिनर भी है, और हमने लंच के टाइम समझ लें तैयारी शुरू करी है। हम क्या आज आपको रेसिपी ये भी देते हैं।
बल्कि आप लोगों ने आलिया ताज रमज़ान अली की मैंने बनाई थी रेसिपी आलू में थी, आप लोगों ने देखी होगी, यकीनन आप लोगों को पसंद आएगी। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। मेरी रिहाइश कराची की है, हम लोग कराची के रहने वाले हैं। मेरे शोहर रमजान पंजाब के रहने वाले हैं। अभी हम शुरू करते हैं। देखें कोयले बनना तैयार हो गए। आजकल गैस की परेशानी हो रही है ना, तो हम लोगों ने चूल्हा बनाया तो देखें हमारे काम आ रहा है कि आज हमने तिक्का बोटी भी बना ली। तिक्का बोटी का इंजॉय कर रहे हैं। अब देखें हमारा चिकन टिक्का तैयार हो गया है, तैयारी पे है, बस रो रो के बन रहा है क्योंकि हमारा धुएं तो बुरा हाल हो गया है। जैसा हमारे ये चूल्हे की सेटिंग हुई थी ना, टिक्का बोटी की अलग सेटिंग होती है। कैसा लग रहा है आपको? मज़ा आ रहा है। देख रहे, रो रो के बुरा हाल हो रहा है मेरा, ये टिक्का बनाने की आदत है। ये हमारी बेगम ने बोला कि आज टिक्का बना के खिलाओ हमें। मैंने बोला चले आज आपको हम टिक्का बना के खिला देते। आप लोगों को स्क्रीन पे धुआं नजर आएगा तो आप इससे परेशान नहीं होइएगा। जाहिर बात है धुआं तो होगा जब टिक्का बनेगा तो क्या धुआं वाला काम है, धुआं होगा ना। आपको करीब से भी दिखाती हूँ। आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा है? राजन भाई लोग आप ही खा रहे हैं। साथ के साथ ऑयल लगा रहे हैं। अब देखें हमारा चिकन टिक्का तैयार हो गया है, तैयारी पे है, बस रो रो के बन रहा है क्योंकि हमारा धुएं तो बुरा हाल हो गया है। जैसा हमारे ये चूल्हे की सेटिंग हुई थी ना, टिक्का बोटी की अलग सेटिंग होती है। कैसा लग रहा है आपको? मज़ा आ रहा है। देख रहे, रो रो के बुरा हाल हो रहा है मेरा, ये टिक्का बनाने की आदत है।
ये हमारी बेगम ने बोला कि आज टिक्का बना के खिलाओ हमें। मैंने बोला चलें आज आपको हम टिक्का बना के खिला देंगे। आप लोगों को स्क्रीन पे धुआं नजर आएगा तो आप इससे परेशान नहीं होइएगा। जाहिर बात है धुआं तो होगा जब टिक्का बनेगा तो क्या धुआं वाला काम है, धुआं होगा ना। आपको करीब से भी दिखाती हूँ। आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा है? राजन भाई लोग आप भी खा रहे हैं। साथ के साथ ऑयल लगा रहे हैं। कैसा लग रहा है? ब्राउन ब्राउन हो रहा है बिल्कुल। ऐसा किया भी टिक्का बन रहा है। करीब से दिखा रही हूँ आप लोगों को और कैसा लुक लग रहा है। अभी तो इसको खाएंगे तो मज़ा हो रहा है। इसके साथ मैंने रायता बनाया है और सादी प्याज काटेंगे भी। रायता भी बनाया है, आपको रायता दिखाती हूँ। हरे मसाले का बनाया है, इसमें हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, जीरा है, टिक्का बटी का बकरीद पे भी अलग मज़ा होता है, बीफ के अलग जायका होता है। आज हमने कहा हम चिकन का बनाते हैं। अब चिकन के रेट कम हो गए ना, शुक्र है चिकन के रेट कम हो गए। शुक्र है हवा रुक गई, कितनी हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा, शुक्र है हवा लगी। इतनी मिट्टी थी घर में, सारी सफाई करी। अभी हम लोग ये बनाने से बैठे, हमने पर्दा बना हुआ था ताकि सहन में मिट्टी नहीं आए, तो अब धुआं इतना भर गया था हमें पर्दा खोलना पड़ा है। आपको रेसिपी में हमारी भाभी नज़र नहीं आ रही होंगी, वो जा रही हैं अभी अपनी कज़न के घर पे, उनकी कल रस्म है। हम भी जाएंगे, कल जाएंगे, लेकिन आज वो जा रही हैं। वो जाने की तैयारी कर रही थी, कह रही हैं भाई आप लोगों ने आज आप लोग अकेले काम करो, मैं भी जा रही हूँ दावत में,
हमने चलें कल मुलाकात होगी। वैसे उनको तिक्का बोटी भी से ना चखा देंगे, जाने से पहले पहले वो खा के जाएंगे। हमारे जो भाई है ना वो छोड़ेंगे भी नहीं, है ना रमजान? अभी मेरी भतीजी को नहीं पता है, वो ट्यूशन गई हुई थी, वो भी आई है। हम लोग कराची शहर कुरंगी में रहते हैं, कुरंगी दो नंबर, शुरू से कुरंगी में रहते हैं हम लोग। अंदर आ जाए ना, बाहर चली जाए, जल्दी आने तो आ। अभी ये देखें तैयार हो गया, सही है। ये देखें, ये रखा हुआ है, सही है, बिल्कुल टाइट किस्म का टिक्का बना है। अभी पहली दफ़ा बनाया मैंने, तो आइंदा आपसे इंशाल्लाह। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और आप भाइयों की सबकी हमारे साथ दुआ है, मोहब्बत है, बस आप लोगों का प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। हमने नया नया चैनल शुरू किया है, बाकी आइंदा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से आपसे मुलाकात होगी। और मेरी छोटी भाभी तो आज वीडियो में है ही नहीं है, तो मैं बताता ज़रूर आपको, लेकिन वो आज जा रही हैं शादी में ना, उनकी सिस्टर की शादी है एक, तो कल इंशाल्लाह हम भी उस वीडियो में आपके साथ मिलेंगे ज़रूर। और अभी हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।